तो अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां महापौर एजाज सेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भाजपा पार्षदों की बैठक आज। भाजपा का दावा, कई कांग्रेसी पार्षद भी संपर्क में हैं और डायरेक्ट वोटिंग की मांग कर सकता है भाजपा पार्षद दल। तो महापौर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी यहाँ पर भाजपा ने कर ली है। आपको बता दें कि भाजपा पार्षदों की बैठक आज ले सकता है। वही बीजेपी का ये दावा भी है कि कई कांग्रेसी पार्षद भी हैं जो संपर्क में हैं, डायरेक्ट वोटिंग की मांग कर सकता है बीजेपी पार्षद। तो महापौर एजाज ढेबर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी पूरी हो चुकी है और कई कांग्रेसी पार्षद भी बीजेपी के संपर्क में हैं। और आपको बता दें, पार्षद दल जो है वो डायरेक्ट वोटिंग की मांग कर रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भाजपा के आला नेताओं से लेकर विधायकों के बीच सीएम को लेकर अब रायशुमारी चल रही है। कौन है मुख्यमंत्री पद के दावेदार, किसके पक्ष में है समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत के साथ ही मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चर्चा और अटकलों का दौर शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर अरुण साव, विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आइए जानते हैं कि कौन कौन है मुख्यमंत्री बनने की रेस में। ये हैं सीएम पद के प्रमुख दावेदार। डॉक्टर रमन सिंह 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। 2018 की हार के बाद भी लोकप्रियता कायम। इस चुनाव में 40,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीते। 15 सालों का काम बना रहा है एक बार फिर मजबूत दावेदार। अरुण साव बिलासपुर के सांसद अरुण साव प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। 2 सालों में पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार भूपेश सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए। भाजपा की जीत के बाद अरुण साव सीएम पद के बड़े दावेदार। साहू समाज ने भाजपा को एक तरफा वोट दिया है। जातिगत समीकरण से साव की दावेदारी मजबूत। विष्णुदेव साय 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इस चुनाव में एक बार फिर कुनकुरी से बड़ी जीत दर्ज की है। 2 बार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। सहज सरल होने की वजह से कार्यकर्ताओं के बीच गहरी पैठ। आदिवासी समाज के होने की वजह से जातिगत समीकरण भी पक्ष में। ओपी चौधरी रायपुर की कलेक्टरी छोड़ ओपी चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की। 2018 में खरसिया से चुनाव लड़ा लेकिन पराजित हुए। इस बार पार्टी ने उन्हें रायगढ़ से मैदान में उतारा और वे जीते। यूथ आइकॉन के रूप में युवाओं के बीच ओपी चौधरी खासे लोकप्रिय। अगरिया समाज के चौधरी सीएम पद के लिए बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। रेणुका सिंह रमन सरकार में रेणुका सिंह मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। वर्तमान में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। पार्टी ने उन्हें भरतपुर सोनहत सीट से मैदान में उतारा। तेज तर्रार नेत्री और आदिवासी चेहरे के रूप में सीएम पद की दावेदार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव हो या विष्णुदेव साय, सभी दावेदार ये कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा मान्य होगा। विधायक भी ये कह रहे हैं कि पार्टी जिसे सीएम बनाएगी हम उसके साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के कुशासन का अंत किया है, छत्तीसगढ़ में सुशासन होगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री का सवाल है, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। और जहाँ तक मेरी बात है, हम तो पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं और आज तक पार्टी का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर में है। गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता को विधायक, सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व, ये बहुत बड़ा उपकार भारतीय जनता पार्टी का है। और आज तक जो भी आदेश पार्टी का हुआ है हम मानते आए हैं और आगे भी जो पार्टी का आदेश होगा वो हमारे लिए सिरोधार्य होगा। देखिए, हमारी पार्टी में हर कोई कार्यकर्ता होता है और उनका दायित्व होता है। मुझे कार्यकर्ता के तौर पर धरसीमा से जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने के लिए और उसमें हमें सफलता मिली है। जो संगठन की पसंद होगी वही भावना बोरा की पसंद होगी।
छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के साथ ही सीएम को लेकर उठापटक भी तेज हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व जिस पर विश्वास जताएगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ऐसे में पार्टी नेतृत्व का विश्वास किसके साथ है ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से NH24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार ने बुरी तरीके से झटका दे दिया है। अधिकतर मंत्रियों और दिग्गज नेताओं की हार से पार्टी सदमे में है। और तो और मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपनी सीट नहीं बचा पाए। आखिर क्यों हारे हैं डिप्टी सीएम और अधिकतर मंत्री, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता जीत का दावा कर रहे थे। 75 पार का दावा करते कांग्रेसी 35 सीटों पर सिमट जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। खासतौर पर डिप्टी सीएम से लेकर अधिकतर मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। टीएस सिंहदेव की हार ने सबको चकित कर दिया। उनके हार की वजह काम नहीं होने को लेकर लोगों की नाराजगी रही। कैबिनेट मंत्रियों में भी मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे की हार ने सबको चकित किया। इन मंत्रियों की हार के पीछे ध्रुवीकरण की सियासत तो वजह रही, साथ ही मंत्रियों से नाराजगी भी बड़ा कारण बनी। साजा में बीरनपुर कांड को लेकर नाराजगी का असर ईश्वर साहू की जीत के रूप में सामने आया है। इसी तरह कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा का असर मोहम्मद अकबर पर पड़ा। वहीं अमरजीत भगत पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो से हार गए। वहां भी काम नहीं होने की वजह से मंत्री से नाराजगी रही। जबकि मंत्री शिव डहरिया, गुरु रुद्र कुमार, ताम्रध्वज साहू, जय सिंह अग्रवाल, मोहन मरकाम को भी क्षेत्र में नाराजगी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी हार का सामना करना पड़ा। धनेंद्र साहू, अमितेश शुक्ल, अरुण वोरा जैसे कई बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए। मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की हार को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कहती हैं, क्यों हार हुई इसकी समीक्षा करेंगे। और ये किसी को नहीं लगता था, ना मीडिया में किसी को लगता था, नेशनल मीडिया में, ना छत्तीसगढ़ की मीडिया में, कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, किसी को नहीं लगता था। तो हम इसके बारे में समीक्षा ज़रूर करेंगे। और आपने जो कहा कि कहाँ क्या कमी रही, उसको हम बड़ी गहराई से उस पर विचार करेंगे। कांग्रेस की हार के पीछे यूं तो कई कारण रहे, लेकिन मंत्रियों को लेकर क्षेत्र के लोगों की नाराजगी और जनता का काम नहीं होना भी हार का बड़ा कारण रहा। यही वजह है कि डिप्टी सीएम से लेकर 8 मंत्री और कई कांग्रेसी दिग्गज अंडर करंट में धराशायी हो गए। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नव निर्वाचित विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सभी नव निर्वाचित विधायकों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। रायपुर ASP लखन पटली ने बताया है कि नियमानुसार सभी विधायकों को सुरक्षा देना है और इसी दृष्टि से जिले के सभी विधायकों को भी सुरक्षित रखा गया है। परिणाम आ चुके हैं और सभी नव निर्वाचित MLA को अब सुरक्षा भी प्रदान की गई है। और हमारे साथ अभी रायपुर शहर के एडिशनल SP हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये परिणाम आ चुके हैं, विधायकों को क्या श्रेणी की सुरक्षा दी गई? कुछ विधायक थे जो जिनको पहले से सुरक्षा प्राप्त थी, कुछ नव निर्वाचित विधायक महोदय हैं, उनके लिए जो वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त हुई थी उस आधार पर उनको सुरक्षा की कैटेगरी के आधार पर बल दिया गया है। और जो भी सुरक्षा, जो भी जब भी वो कहीं जाएंगे उनके साथ वो सुरक्षा के कर्मचारी रहेंगे। कितने विधायकों को श्रेणी वाई श्रेणी में दी गई है और कितने को नॉर्मल में? जो नव निर्वाचित विधायक, सभी के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा आई थी उस आधार पर दी गई है। 7 विधायकों को दी गई है, जिसमें कुछ पूर्व से ही विधायक थे, निर्वाचित थे, तो उनको पहले से सुरक्षा दी गई थी। और जैसे धरशिवा के विधायक थे, उनको पूरे से सुरक्षा दे दी गई थी, तो उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजेश मुनत को पहले से कोई सुरक्षा नहीं थी, उन्हें भी दिया गया सुरक्षा? सभी विधायक को, मैंने कहा ना, सभी विधायक को सुरक्षा के जो श्रेणी है उसके आधार पर दी गई। फिलहाल जो है अभी सरकार बनने में समय है और इससे पहले जो सभी विधायकों की सुरक्षा काफ़ी अहम मानी जा रही है, इसलिए जो है प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।
हाई प्रोफाइल सीट जांजगीर चांपा में कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप के सिर पर जीत का सहरा बंधा है। व्यास कश्यप ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को 6971 वोट के अंतर से शिकस्त दे दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही है। व्यास कश्यप से खास बातचीत की हमारे जांजगीर चांपा संवाददाता मुकेश सिंह बैस। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, नतीजे जो है वो काफी चौंकाने वाले हैं। सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन जो है कई दिग्गज ये चुनाव हारे भी हैं। जांजगीर चांपा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से भाजपा के जो बड़े सीनियर लीडर थे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंद्र, उनको व्यास कश्यप जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन्होंने शिकस्त दी है। व्यास कश्यप जी हमारे साथ है, सीधे उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह उन्होंने इस चुनावी जंग में पतन हासिल की है। जी सबको तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जनता को, मतदाताओं को, कि इस चुनाव में व्यास कश्यप और कांग्रेस को जो साथ दिया है उसके लिए धन्यवाद, आभार। रही बात चुनाव की, तो चुनाव होता है। चुनाव में हमारे कार्यकर्ता तन मन से लगे हुए थे, भले ही हमारे सामने माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी थे, पर जनता के बीच में मैं भी लगातार विगत 35 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, छोटे से लेकर बड़े पदों तक रहा। यह बड़ा पद, यही मतदाता और यही जनता है जो व्यास कश्यप को स्वीकार किए और मेरे ऊपर जो भरोसा वो किए हैं मतदाता हमारे जनता, मैं उनका ऋणी रहूँगा और अपना पूरा यह 5 साल का कार्यक्रम समर्पण भाव से उनकी सेवा को मैं समर्पित करूँगा। अब आप विधायक बन गए हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्षेत्र की जनता ने एक बड़ा भरोसा करके आपको जो है कमान सौंपी है, क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं जनता? देखिए जनता के लिए मैं आज से नहीं, विगत लंबे समय से जब मैं पार्षद था, फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष मेरी धर्मपत्नी थी, तो इस विधानसभा की तासीर को मैं जान रहा हूँ। वो तो चुनाव का है, परंतु विकास क्या क्या चीज़ की अधूरा है, मेरे मन पर है, मेरे दिल पर है, उन सभी काम को करने के लिए मैं तत्परता से लगूंगा। ठीक है कि आज हमारी सरकार नहीं आई, ये देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास जो है वो जीता है और इसी दम पर उन्होंने जीत हासिल की है, साथ ही इस क्षेत्र से सर्वांगीण विकास का दावा भी कर रहे हैं। मुकेश सिंह बैंस, IANS 24/7 जांजगीर चांपा। इधर सरगुजा संभाग में भाजपा ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और सरगुजा संभाग के प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि टीएस सिंहदेव को सीएम नहीं बनाए जाने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। संजय श्रीवास्तव ने अमरजीत भगत के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने अगर मूछों पर दाव लगाया था तो मूछ मुड़वा लेनी चाहिए। को 54 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला है और 54 सीटों में जो सबसे महत्वपूर्ण 14 सीटें हैं वह है सरगुजा संभाग की। इन 14 सीटों को भाजपा की झोले में डालने की जो भूमिका निभाए हैं वह है सरगुजा संभाग के भाजपा के नेता संजय श्रीवास्तव। संजय श्रीवास्तव जी अभी हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो है सरगुजा में भाजपा शून्य की स्थिति में थी, एक हिसाब से ये माना जाए कि बंजर जमीन में खेती करने का जिम्मा आपको दिया गया था और खेती भी अच्छे से हुई, समृद्धि भी आ गई है, क्या कारण मानते हैं कि पूरा कांग्रेस का वहां सुपड़ा साफ हो गया और भाजपा की झोली में उल्टे 14 सीट आ गई? देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा अचीवमेंट और एक बड़ा काम सरगुजा की जनता ने, सरगुजा के कार्यकर्ताओं ने हम सबको दिया है कि 14 की 14 सीटें उस संभाग की जीतना वास्तव में एक बड़ा काम भाजपा के लिए रहा और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सरगुजा की जनता को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, उनके अथक मेहनत से, अथक परिश्रम से हमने इस काम को किया जो काम कांग्रेस ने 2018 में किया था। देखिए इसके मूल कारण ये है कि एक तो हमारे जो बूथ सशक्तिकरण, लगभग 1.5-2 वर्षों से हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से हम लगातार बूथों को सशक्त कर रहे थे, लगातार 1.5-2 वर्षों से प्रभारी होने के बाद लगातार दौरे, ऊपर से जो निर्देश के लगातार वहाँ हम सबको रहना है, एक एक हफ्ते बूथ तक जाना, गांवों तक जाकर हमने बूथों को सशक्तिकरण किया, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात थी कि जो मनोबल हमारा टूटा हुआ था कार्यकर्ताओं को 2018 में जब हम एक भी सीट नहीं जीते थे, उस मनोबल को खड़ा करने का काम हमारे नेताओं के माध्यम से हम लोगों ने मिलकर किया और उसका परिणाम यह रहा कि अब हम 14 की 14 सीटें जीते हैं। सरगुजा संभाग के प्रभारी और भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव, जिनका साफ कहना है कि जो मोदी की गारंटी थी और भाजपा ने घोषणा पत्र में जिन बिंदुओं को शामिल किया था उसके कारण ही सरगुजा में एक बड़ी जीत मिली है, साथ ही साथ वहां के कार्यकर्ताओं के दिन रात अथक मेहनत का भी परिणाम है जिसके कारण आज भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इसमें सरगुजा अहम रोल में है।
कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक INS 24x7 रायपुर। इधर जगदलपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी किरण देव ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल को 29,000 वोटों से हरा दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि किरण देव ने कहा है कि बस्तर में मोदी की गारंटी ने भाजपा को जीत दिलाई है और इलाके का विकास करने से भाजपा पीछे नहीं हटेगी। भाजपा के रुझान नजर आ रहा है और हमारा साथ मौजूद है किरण देव सिंह जी, उनसे चर्चा करते हैं। इस समय भाजपा का रुझान दिखाई दे रहा है, बताएं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में कंफर्टेबल पोजीशन पे है, कंफर्टेबल विन की ओर बढ़ रही है। और जैसा आपने पूछा जगदलपुर के विषय में, निश्चित रूप से जगदलपुर में 12 राउंड की अभी गिनती हो चुकी है, एक कंफर्टेबल विन की ओर भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी जीत रही है, हमारे संभाग में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सभी जितने भी मतदाता हमारे हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे मतदाता भाइयों को, बहनों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, उनके जो योजनाएं हैं, जो बात हमने उन तक पहुंचाई है, उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना मत दिया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भी करता हूं। निश्चित रूप से मातृशक्ति ने आगे बढ़ चढ़ कर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत दिया है। स्वाभाविक बात यह है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो मातृशक्तियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, और विशेषकर मैंने पहले भी कहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब 15 वर्ष की सरकार थी और सिर्फ कार्यक्रम नहीं बनाती थी, सिर्फ योजनाएं नहीं बनाती थी, उसका क्रियान्वयन सभी क्षेत्र में बराबर और विकास को मापदंड मानकर जो किया है मातृशक्तियों के लिए भी सभी क्षेत्रों में। और हम तो हमेशा कहते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु से लेकर अंतिम यात्रा तक जाने वाले तक की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने उस समय बनाई थी। कैमरामैन संजू के साथ जीवानंद हालदार, INS News। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा के ताजा चुनाव में 18 महिला विधायक चुनी गई है। पहली बार इतनी संख्या में चुनकर विधानसभा पहुंचने वाली विधायकों में 10 कांग्रेस और 8 भाजपा की विधायक हैं। 2018 की विधानसभा में 13 विधायक चुनी गई थी, लेकिन बाद में हुए उपचुनावों में 3 और महिला विधायक चुनी गई थी और इनकी संख्या 16 पहुंच गई थी। साल 2023 के विधानसभा में पहुंचने वाली महिलाओं में 10 महिलाएं पहली बार विधायक चुनी गई है। सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा महिलाएं चुनी गई है। खास बात ये भी है कि महिला विधायकों में आदिवासी महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा 9 है। 5 विधायक अनुसूचित जाति, 3 पिछड़ा वर्ग, 1 सामान्य वर्ग से है। आइए जानते हैं कि कौन है विधानसभा में पहुंचने वाली ये विधायक। भरतपुर सोनहत रेणुका सिंह भाजपा, फटगांव लक्ष्मी राजवाड़े भाजपा, प्रतापपुर शकुंतला सिंह पोर्ते भाजपा, सामरी उद्धेश्वरी पैकरा भाजपा, जशपुर रायमुनि भगत भाजपा, पथलगांव गोमती साय भाजपा, सारनगढ़ उत्तरी गणपत जांगड़े कांग्रेस, पामगढ़ शेषराज हरवंश कांग्रेस, सरायपाली चतुरी नंद कांग्रेस, बिलाईगढ़ कविता प्राण लहरे कांग्रेस, सिहावा अंबिका मरकाम कांग्रेस, संजारी बालोद संगीता सिन्हा कांग्रेस, डोंडी लोहारा अनिला भीड़िया कांग्रेस, पंडरिया भावना बोहरा भाजपा, खैरागढ़ यशोदा वर्मा कांग्रेस, डोंगरगढ़ हर्षिता स्वामी बघेल कांग्रेस, भानु प्रतापपुर सावित्री मनोज मंडावी कांग्रेस, कोंडागांव लता उसेंडी भाजपा। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद ये समझा जा रहा था कि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस महिलाओं को कम से कम 33% टिकट देगी, लेकिन हार जीत का समीकरण साधती पार्टियों ने ऐसा नहीं किया। संतोष की बात यह है कि विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार ये बढ़कर 18 तक पहुंच गई है, जबकि साल 2003 में ये महज 5 पर थी। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24x7 रायपुर।